वहीं हिमाचल प्रदेश की आप बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश यानी ये पहाड़ी राज्य, यहाँ की क्या स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अब तक 775 मामले सामने आ चुके हैं। तो 775 मामले सामने आ गए हिमाचल प्रदेश में। कोरोना के सक्रिय मरीज 324 हैं, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या अब आधी है के आसपास है। यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अब तक 432 मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। तो इस पहाड़ी राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या 324 है और कुल संख्या की बात करें 775 है। अब हम दर्शकों को हिमाचल के हर जिले का आंकड़ा दिखाते हैं। आप भी जान लीजिए, अगर आप हिमाचल के हैं तो आपके किस जिले में कितने कोरोना के पेशेंट हैं, कितने एक्टिव हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। बिलासपुर की बात करें, यहां 14 एक्टिव मरीज हैं कोरोना के। चंबा की बात करें तो यहां पर 10, हमीरपुर में 93, कांगड़ा में 87, किन्नौर की बात करें तो ये रात की बात है, यहाँ मामला घट गया है, शून्य हो गया है। कुल्लू में अभी एक केस एक्टिव है। इन जिलों के लिए ठीक ठाक हालात हैं। किन्नौर और कुल्लू के लिए राहत की बात है। कुछ और बाकी जिलों का हाल भी देख लीजिए। पूरे 12 जिलों के हम पूरा डाटा आपको दिखा रहे हैं। लाहौल स्पीति, यहाँ राहत की बात है, यहाँ अब कोई भी केस एक्टिव नहीं है। पहले भी कोई केस एक्टिव नहीं था, तो लाहौल स्पीति एक ऐसा है जो कोरोना फ्री कह सकते हैं जिला अभी तक माना जा रहा है। मंडी में 2 केस है, शिमला में 20, सिरमौर में 10, सोलन में 47, ऊना की बात करें तो 40। आप देख सकते हैं लाहौल स्पीति 0, मंडी 2, शिमला 20, सिरमौर 10, सोलन 47 और ऊना 40। तो ये हिमाचल के हर जिले का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।